नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का भक्ति इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज जो आपके सामने विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़े दिनों से विवाद चल रहा है। जैसा कि आपको पीछे के छायाचित्र में दिख रहा होगा कि एक तरफ प्रेमानंद जी और एक तरफ प्रदीप जी मिश्रा हैं। इन दोनों संतों के बीच में, और ये संत कोई छोटे मोटे नहीं है, जाने माने संत हैं, लाखों लोगों के लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको अपना आदर्श मानते हैं। इन दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। किस बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है? तो प्रदीप जी मिश्रा एक कथा के दौरान, ये भी एक भगवत कथा के दौरान, ये भागवत कथा आचार्य बोले जाते हैं, और उस कथा के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके कारण से प्रेमानंद जी की जो आराध्य माने, इष्ट माने श्री राधा जी के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए गए। बाद में इसका विश्लेषण जब हमने देखा, एनालाइज किया, तो ये निकल के सामने आया कि प्रदीप जी कह रहे हैं कि मैंने वो पूरा प्रसंग कहा था, लोगों ने उसे छोटा करके प्रस्तुत कर दिया है, और प्रेमानंद जी के सामने वो छोटे रूप में प्रस्तुत किया गया है, उस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हम हैं एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ओर जा रहे हैं। आपको लाखों लोग देखते हैं, और ऐसा अगर आप करेंगे तो हमारी हिंदू सनातन धर्म की जो एकता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम एक सब मत नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, पूरा विवाद क्या है, चलिए एक नजर पहले आपको इन विवादों से परिचित करवा देते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी मिश्रा का कथावाचक के दौरान कहा गया वो वीडियो क्लिप आप देखिएगा। चलिए सुनिए प्रदीप जी मिश्रा कथा के दौरान क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना, पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। जैसा कि आपने सुना, प्रदीप जी मिश्रा कह रहे हैं कि राधा जो है, राधा शब्द पर विवाद हो चुका है। प्रदीप जी मिश्रा कह रहे हैं कि राधा के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें किसी में भी कृष्ण की पत्नी का जिक्र नहीं है, और कृष्ण की पत्नी में राधा का जिक्र नहीं है। और राधा जो रानी है, कहते हैं वो बरसाने की नहीं थी, वो वर्ष में एक बार आया करती थी, इसीलिए उसका नाम बरसाने रखा गया। इन्होंने पूरा ससुराल तक बता दिया, इसके पति का, ससुर का, सासू का पूरा नाम बता दिया है। अगर हम एक दृष्टि से देखें, ये हमारे सनातन धर्म के अंदर सदियों से परंपराएं, बड़े बड़े आचार्यों ने इसके ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, राधा जी के बारे में कहा है। और जब भी हम कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो राधे शब्द एक साथ आता है, तो इनके अस्तित्व पर ये क्या एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इन कथावाचक प्रदीप जी मिश्रा ने। हम प्रदीप जी मिश्रा को भी बड़ा आचार्य मानते हैं, क्योंकि लाखों लोग इनको भी फॉलो करते हैं, परंतु ऐसी तुच्छ बातें करना जिससे धार्मिक भावना को, और जो लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, भगत जन हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। इसी के संदर्भ में आज हम देखें तो हिंदू जो है जगह जगह प्रदीप जी मिश्रा के खिलाफ FIR वगैरह दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी भावना, जो भावनाएं हैं, उनको आघात पहुंचा है, और धार्मिक भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाया जा सकता, ये मौलिक अधिकारों में भी कहा गया है। चलिए, जब ये क्लिप प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचती है तो वो इनका नाम नहीं लेते, परंतु क्या कहते हैं, पहले हम उस क्लिप को सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए प्रेमानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज को, तो सुनिएगा क्या कह रहे हैं। तो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या, क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है, तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। यत्नि जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को मिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति,
अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं। अरे श्री जी की अवहेलना की बात करता है, कहते हैं किस बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को कुछ जान जाएगा है, ये क्या चार अक्षर पढ़ लिए और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तुरंत पता चला था कि दो ही चार दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है, किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे ना उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं, एक संकल्प में ना तू लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना सभा में कह रहा हूं, देख लेना ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। जो श्री जी के विषय, श्री जी को क्या जानते हो, हमारी स्वामिनी है, मुनि से जीते हैं, देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तो देखा आपने, हम प्रेमानंद जी और प्रदीप जी मिश्रा दोनों के पक्ष को देखेंगे। प्रदीप जी मिश्रा ने हकीकत में क्या है, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड हुई है, और अगर हम प्रेमानंद जी की बात करें, बड़े शालीन स्वभाव के हैं, बड़े राधा रानी से जुड़े हुए हैं, राधा रानी के बिना ये बात नहीं करते। तो इन्होंने देखिए कहा है, मैं खुले माइक से चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो भी आचार्य हैं जिन्होंने राधा के बारे में गलत कहा है, वो श्री जो राधा है वहां बरसाने में जाकर उनसे माफी मांग ले, क्योंकि राधा रानी का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर सकती हैं, परंतु ये कह रहे हैं कि मैं आपको माफ नहीं कर सकता क्योंकि आपने ऐसा बोला है। और यहां तक भी ये वीडियो हमने मेन मेन सुनाई आपको, उन्होंने प्रेमानंद जी ने कहा है कि आप जिस कर्म करके, जिसका नाम लेकर आप कथा करते हैं, जिससे आपका घर चलता है, जिससे आपकी आजीविका चलती है, और आप उसी पर लांछन लगा रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं है, ऐसा सही नहीं है। सही नहीं होना और अच्छा नहीं होना, ये हम अलग मायने में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि बात हो रही है हिंदू सनातन धर्म की, और हम जितना राधे जी को, जितना सीता जी को मानते हैं, उतना ही सभी इष्ट देवियों को मानते हैं। और जब किसी इष्ट पर हमारा सवाल उठता है तो हमेशा हिंदू पीछे नहीं हटा है, हिंदू हमेशा आगे आया है। हम आदर करते हैं दोनों आचार्यों का, परंतु दोनों आचार्यों में से ज्यादा जो पक्ष में सही लग रहा है वो प्रेमानंद जी का लग रहा है। अगर आपने कथा करनी है, हम देखें तो आपने देखा होगा बड़े बड़े कथावाचक हैं जो कथा कर रहे हैं। अब हम बात करें बागेश्वर धाम सरकार की, धीरेन्द्र जी शास्त्री कथा कर रहे हैं, कभी विवाद नहीं हुआ। हम बात करें श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की, वो भी देखिए कथा करते हैं, कभी विवाद नहीं हुआ। एक बार विवाद हुआ भी, राधार शब्द पर भी हुआ था, परंतु उन्होंने कहा कि मैं बड़े आचार्यों का बड़े विनम्रता से सत्कार करता हूं, अगर मुझसे तुच्छ शब्द निकले हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और संत का स्वभाव क्या होता है? संत का स्वभाव हमेशा नरम होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अगर संत कहता है, संत में अहम का भाव आ जाए तो फिर वो काहे का संत है। अहम भाव कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति में अहम आता है तो वो संत की परिभाषा से कोसों दूर हो जाता है। और तो हम तो यही कहते हैं कि अगर किसी भी संत से गलती हुई है तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए झुक जाएं, एक माफी मांग लें। आप माफी मांगेंगे तो करोड़ों जो भक्त हैं आपके, वो आपको बड़ा अच्छा मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपको आदर्श मानेंगे। अब हम सुनते हैं कि जब ये क्लिप जो प्रेमानंद जी ने कहा, जब ये प्रदीप जी मिश्रा के पास पहुंचती है तो प्रदीप जी मिश्रा इसका क्या जवाब देते हैं, ये भाव सुनिएगा और आपको प्रतीत होगा कि इसमें क्या झलक रहा है, विनम्रता है या अहंकार है। फिर हम बात करेंगे अहंकार की, कि क्या सुन रहा है। चलिए प्रदीप जी मिश्रा का वो बयान हम सुन लेते हैं। उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं,
इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है, जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जैसा कि आपने सुना, ये कह रहे हैं कि मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूं, तो प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं कि मैं राधा और कृष्ण के प्रेम विवाह का प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। ग्रंथ भरे पड़े हैं, परंतु इन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि मैंने उस वृतांत में श्री कृष्ण और राधा का विवाह करवाया जिसके ब्रह्मा जी साक्षी थे, परंतु उस क्लिप को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। दूसरी बात इन्होंने कही कि बरसाने के लोग क्या हैं, भोले हैं। बरसाने के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग भोले हैं, क्योंकि हम किसे आराध्य इष्ट मानने लग जाते हैं तो हमारे लिए सर्वोपरि हो जाता है। यह भ्रमित करने की बात नहीं है आचार्य जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आपने ऐसा कहा है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। आप संत हैं, आप में विनम्रता होनी चाहिए, क्षमा करने का गुण भी होना चाहिए और क्षमा मांगने का गुण भी होना चाहिए, तो आप संत हैं। आप अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, अगर आपको प्रत्यक्ष चाहिए तो मेरे दरबार में आ जाएं, आपके लिए आश्रम खुला पड़ा है। और आप ये भी कह रहे हैं कि मैं राधा रानी के मंदिर में जाकर झाड़ू निकालूंगा, राधा रानी मुझे माफ करे ना करे, हम ये आपकी भावनाओं का आदर सत्कार करते हैं, परंतु आपने जो बयान दिया है वो बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो इस बात का उल्लेख करते हैं, बहुत सारे ग्रंथों के अंदर ये बात लिखी है। और जब भी नाम आता है कृष्ण राधा का, आपने देखा पुरानी फिल्मों, अभी पिछले दिनों एक गाना रिलीज हुआ राधा नाचेगी, तो उस पर हिंदू धर्म के लोगों ने क्या क्या कटाक्ष किया और उस गाने को एक दिन में डिलीट कर दिया था। यह है हिंदू की पावर, यह है हमारी धार्मिकता की पावर, हिंदू सनातन धर्म की पावर। इसीलिए हम दोनों आचार्यों से ये चाहते हैं, जनता चाहती है कि आप दोनों बैठकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करें, हम सबको एकता में बांधे रखें। ऐसे आपने एक पक्ष ये ले लिया, एक पक्ष ये, कोई मुकाबला करने का समय नहीं है, ये हमें एक करने का समय है। आप पर राधा रानी की कृपा है, प्रेमानंद जी महाराज पर, आप शिव कथा करते हैं, आप दोनों के पास इतना सामर्थ्य है कि आप सबको एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं। हम दोनों में से दोनों संतों का आदर सत्कार करते हैं, परंतु जो पक्ष आपको दिख रहा है वो पक्ष मुझे भी दिख रहा है कि कौन गलत है और कौन सही है। इसीलिए आचार्य प्रदीप जी मिश्रा से हमारा निवेदन हाथ जोड़कर कि बरसाना जाकर माफी मांग लें और इस बात को स्पष्ट करें, इस बात को मिट्टी में मिला दें, खत्म करें, और जो हमारा सनातन धर्म बढ़ रहा है, हिंदू धर्म बढ़ रहा है, उसकी रक्षा करें और किसी भी लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। तो आपने दोनों चीजों को हमने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से विवाद है, क्या चल रहा है, और जल्द चाहते हैं प्रभु से, कृष्ण भगवान से, राधा से, रानी से, राम भगवान से, और हमारे 33 कोटि जो देवी देवता उनसे, कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो। और क्योंकि किसी ने कहा है कि निंदक नीरे राखिए जाकी कुटुंब समाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे स्वाए, यानी निंदा करने वाले जरूर रखने चाहिए, क्योंकि वो आपकी मन की जो ऊपर मेल होती है उसको साफ कर देते हैं। तो हमने आपसे रिक्वेस्ट की है, जो भी वीडियो देख रहा है उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो इस आचार्य महाराज तक पहुंचे और हम एकता के सूत्र में बंधने के लिए इकट्ठे हों, न कि ऐसे अलग अलग रूप में। हम एक अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, और जिसमें हम आपको भी एक आधार मानते हैं, सभी संतों को आधार मानते हैं, तो सभी संत एकजुट हों, ऐसे अलग अलग बयान न दें। चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।